दुबई जाने से पहले श्रीदेवी अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को मिलती हैं। ये बेस्ट फ्रेंड उनकी बचपन की फ्रेंड है दोस्तों, और उन्हें बताती हैं कि उनका मन बहुत कर रहा है जाने का, लेकिन उन्हें फीवर है, वो एंटीबायोटिक्स में है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे श्रीदेवी के बचपन की फ्रेंड की, जिनका नाम है पिंकी रेड्डी। पिंकी रेड्डी ने श्रीदेवी की ग्रोथ देखी, पिंकी रेड्डी ने श्रीदेवी को इतिहास रचते हुए देखा दोस्तों, दोनों की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। ऐसे में दोस्तों पिंकी रेड्डी ने एक लीडिंग न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में ये बात बोली है कि श्रीदेवी मुझे जाने से पहले मिली थी, दुबई जाने से पहले वो उन्हें मिली थी, और श्रीदेवी ने उस वक्त उन्हें बताया था कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है, मुझे अनईजी सा फील हो रहा है, लेकिन मैं इस शादी को, मोहित मारवा की शादी को मिस नहीं करना चाहती। और उन्होंने, श्रीदेवी ने पिंकी रेड्डी को ये भी बताया कि श्रीदेवी एंटीबायोटिक्स ले रही हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं दोस्तों श्रीदेवी की इस आकस्मिक मृत्यु के धीरे धीरे करके राज खुलते जा रहे हैं। श्रीदेवी ने यहाँ तक ये भी बताया था कि उन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी भी फील हो रही है। हो सकता है दोस्तों जब बाथटब वाली ये जो सिचुएशन हुई थी, उस वक्त श्रीदेवी कहा गया था कि ट्रेस ऑफ अल्कोहल उनकी बॉडी में पाए गए, प्लस वो एंटीबायोटिक्स भी ले रही थी, रिएक्शन की वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है कि श्रीदेवी बाथटब में गिर गई हो और बाथटब में ही एक्सीडेंटल ड्रॉनिंग हो गई हो।